और पता है क्या वो देखो चला भाई फोटो खींचते आजा। ओह 9000। रुक जा तू, अब मेरा 1.5 लाख का फोन फोटो खींचेगा। भाई फिल्टर यूज करूंगा ना, अच्छी आएगी फोटो। फिल्टर? अबे आईफोन है, और कहां तू अपने इस चाइनीज फोन से फोटो खींच रहा है? आईफोन ले ले, आजकल तो बच्चे बच्चे के पास आईफोन है। अबे चल ना, बच्चों बच्चों के पास थोड़ी होता आईफोन। कुछ भी बोल रहा है तू मतलब। ए, कौन सा फोन है तेरे पास? आईफोन। देखा तूने, कंजूस मक्खी चूज इंसान, जाके आईफोन खरीद ले, 10 साल से एक ही फोन चला रहा है। बट जब देखो तो मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। हाँ नहीं है मेरे पास आईफोन तो क्या करूं? अभी तो बाबा बाबा कैटरीना कैफ के नाम पे कुछ दे दे बाबा। ए बच्चा कैटरीना कैफ के नाम पे कुछ दे देना। अरे भैया आप गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलो अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। ए, मैं आपसे मांग थोड़ी रहा हूँ, मैं तो बस आपको बता रहा था कि अल्लाह के नाम पे मांगते हैं और आप कैटरीना कैफ के नाम पे मांग रहे हो। बाबा अल्लाह के नाम पे बस 5 और 10 रुपए मिलते हैं, फिर एक दिन मैंने सोचा क्यों ना कैटरीना कैफ के नाम पे मांगे जाए। अब देखो 100-200 मिलते हैं। हेलो। हाँ अरे भैया बोला तो था बिरयानी पैक कर दो। आईफोन? कौवा बिरयानी नहीं, नॉर्मल बिरयानी। हाँ ठीक है ठीक है। बताइए भैया कौवा बिरयानी खिला रहे हैं। भैया आपके पास तो आईफोन है। हाँ हाँ मेरे सारे भिखारी दोस्तों के पास आईफोन है, सबके पास सबके पास। अरे आप वो छोड़ो, कैटरीना कैफ के नाम पे कुछ दे दो ना। अरे मैं कहाँ से दूँ कुछ भैया, हटे यहाँ से। यहाँ तो भिखारी के पास भी आईफोन है, आज तो घर जाके पापा से आईफोन लेकर ही रहूंगा। आज तो पापा के सामने एकदम फेस टू फेस मर्दों की तरह बोल दूंगा, ओ पापा आईफोन ला के दो मुझे, ओ पापा आईफोन ला के दो मुझे। नहीं यार ऐसे नहीं बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा पापा से प्लीज मेरे को आईफोन ला के दो। हाँ पापा मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बता क्या बात करनी है। पापा देखो ना मेरा फोन ठीक से चलता नहीं, हैंग करता है, खराब हो गया है। ओए माँ मुझे ना नया फोन चाहिए। अरे बेटा तू मेरा फोन रख ले, मैं तेरा फोन ले लेती हूँ और फिर दोनों के पास नया फोन हो जाएगा। मम्मी मुझे नया फोन चाहिए, मतलब नया फोन। ठीक है ये फोन भेज दे, इसके तुझे 8000 रुपए मिल जाएंगे, 2000 मेरे से ले लियो और 10000 का कोई बढ़िया सा चाइनीज फोन ले ले। अरे चाइनीज फोन नहीं लेना पापा, एप्पल का फोन लूंगा। एप्पल? बेटा ये एप्पल का फोन कैसे बनता है, हमारे माइक्रोवेव में बन जाता है क्या? अरे मम्मी एप्पल एक कंपनी है, ये एप्पल नहीं, कंपनी है एप्पल। हाँ तो रोका किसने तुझे, 10000 दे तो रहा हूँ, जाके लिया एप्पल का फोन। पापा 10000 में नहीं आता वो, 1 लाख में आता है। कितने का आता है? 1 लाख। 1 लाख? ओए माँ। पापा अरे पापा उठो, अरे क्या बोल दिया तुमने, ऐसा क्या 1 लाख का? मम्मी 1 लाख का फोन आता है एप्पल का। क्या 1 लाख? स्टैचू। मम्मी नहीं, मम्मी आप भी होश मत हो ना प्लीज, मम्मी प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, ओवर। पापा उठो। अरे पागल वागल हो गया है क्या तू, जितने की कमाई नहीं उससे ज्यादा की ख्वाहिश कर रहा है? यहाँ 4 महीने की सैलरी मिलती है 1 लाख रुपए और इन भाई साहब को 1 लाख का फोन चाहिए। पापा मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, अरे बच्चे बच्चे के पास आईफोन है, आप यकीन नहीं मानोगे रास्ते में ना मुझे भिखारी दिखाता है तो पास भी आईफोन है। तो जाकर बेटा तू भी भीख मांगनी शुरू कर दे। सही है पापा सही है, एक आईफोन की ख्वाहिश रखी है आपसे और कितनी आसानी से आपने उसे नकार दिया। अरे वाह रविशंकर शुक्ला वाह, वाह पापा वाह। हाय मेरा बच्चा, मैं भी लूंगी अब आईफोन। अबे वो मदर इंडिया, वो एक किडनी के पीछे पड़ा हुआ है, दूसरे के पीछे तू पड़ जा और तू ये ड्रामे बंद कर। आईफोन मिलेगा लेकिन एक ही शर्त में, तुझे सारे बेफालतू के खर्चे बंद करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आईफोन मिलेगा। अरे डन है पापा, आज से मेरे फालतू खर्चे करना बंद। मेरा बेटा। मम्मी इसमें तो नमक ही नहीं है, एकदम फीका है। अरे बेटा नमक डालने के लिए मैंने मना करा है,
आईफोन लेना है ना यार। यार लाओ मेरे को मटर पनीर दो, मैं नहीं खा रहा ये। अरे मटर कहाँ है, पनीर कहाँ है? अरे तो बेटा आईफोन लेना है ना, तो अब ना कोई मटर ना कोई पनीर खाओ। क्या क्या खाओ आप, तुम ही खाओ। सुन तो आईफोन तो आ ही रहा थोड़े दिनों में, अपन बॉडी और बना लूं, फिर बेटे मेरे आगे पीछे लड़कियों का मेला होगा, मजा ही आ जाएगा। ओए ये क्या कर रहा है, बेफालतू के खर्चे क्यों कर रहा है, आईफोन नहीं लेना क्या? अरे पापा क्या फालतू के खर्चे, एक्सरसाइज भी तो कर रहा हूँ। ऐसे कैसे नहीं फालतू के खर्चे, बेटा देख अभी तू कर रहा है एक्सरसाइज और फिर तेरे को खाना पड़ेगा प्रोटीन, और प्रोटीन कैसे आएगा? पैसों से। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ये बेफालतू के खर्चे मत कर, मन कर ये सब। यार ये आईफोन क्या क्या करवा के मानेगा। मेरे तो एल लग गए। कब तक सोएगा, 10 बज रहे, टाइम देखा तूने? खड़ा हो जल्दी और नहा क्या, निकम्मा कहीं का। अरे मम्मी साबुन तो है ही नहीं। Oh, no. बेटा आईफोन चाहिए ना, साबुन लगाना बंद कर दो कुछ दिन। यार ये आईफोन क्या क्या करवाएगा। मम्मी पानी तो आई नहीं ना। अरे बेटा पानी भी भूल जाओ, आईफोन चाहिए तो बिना साबुन और पानी के नहाकर जल्दी वापस आ जाओ। यार बिना साबुन और पानी के कोई कैसे नहाता है। लो नहा लिया, पार्क जा रहा हूँ मैं क्रिकेट खेलने। आप कौन? गुड मॉर्निंग सर, मैं एप्पल कंपनी से हूँ। अरे आइए 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 बैठिए आइए सर बैठिए बैठिए। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप गुड्डू को? अरे सर मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। अरे पापा ये मेरे ट्यूशन टीचर नहीं है, ये ना एप्पल कंपनी से आए हैं, मैंने बुलाया है, ये ना आपको थोड़ा फोन के बारे में समझाएंगे। क्या समझाएंगे, फोन ही तो है। पाइनएप्पल ना हो गया सर, दर्द हो गया। अरे पाइनएप्पल नहीं एप्पल, ये तो सुन लो ना। जी सर बोलिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं एप्पल सबसे बेस्ट ब्रांड है, सबसे अच्छी और महंगी कंपनी है। अबे ओ भाई जो नहीं जानते ना वो बता, हमें पता है महंगा फोन है। ओके ओके ओके, हमारी एप्पल कंपनी सबसे बेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सबसे बेस्ट। अरे वाह जी वाह, अब तो घर में चोरी होने का भी डर खत्म। और ये जो सिक्योरिटी है ये घर का काम तो करवा देगा ना मेरे साथ, जैसे कि मिर्ची खत्म हो जाए धनिया खत्म हो जाए तो फटाफट जाके ले आता होगा ना। अरे मम्मी वो सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे, वो फोन के अंदर की सिक्योरिटी। अब मान लो फोन अगर गलती से चोरी हो गया तो सिक्योरिटी बनी रहेगी ना, प्रोटेक्शन देगा फोन को। अरे लेकिन फोन में ऐसा होगा क्या, पैसे तो वैसे भी बैंक में जमा होंगे, फोन के अंदर की सिक्योरिटी का क्या काम। खैर मैं आप सबको बता दूं इसमें चार्जर नहीं होगा। वाह भाई वाह, अरे जब चार्जर ही नहीं होगा तो फोन कैसे चार्ज करेंगे। अरे अरे मेरा मतलब चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। चार्जर अलग से खरीदना होगा? अरे भैया ये क्या बात हुई, 1,00,000 का फोन ले ऊपर से चार्जर भी नहीं दे रहे। ये देखो ये होते हैं फोन, तो 5,000 का खरीदा था मैंने और एक नहीं इसके साथ दो दो चार्जर आए थे, और तो और दो दो ईयरफोन्स भी आए थे, और दुकान पे बैठा के उन्होंने चाय नाश्ता करवाया मस्त, वो अलग। अरे अब जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है मैं तो वही बता रहा हूँ ना जी, आपको जब लगे ऑर्डर प्लेस करना है मुझे बता देना, मैं होम डिलीवरी प्रोवाइड कर दूंगा। होम डिलीवरी, चाय के 10 रुपए ही बचा लिए इन्होंने। मम्मी क्या यार, पापा अभी कर लेंगे ऑर्डर है, एडवांस दे दे है। रुक बेटा अभी आता हूँ। यस आईफोन। ये तो सिर्फ 5,000 ही हैं, एडवांस तो दे दूंगा लेकिन बाकी पैसे कहाँ से लाऊंगा। मिडिल क्लास फैमिली में घर चलाना इतना भी आसान नहीं है जितना इन बच्चों को लगता है, पर कोई नहीं बच्चे हैं, सपने देखने का हक तो हर किसी को होता है, और मैं इनका बाप, इनके सपने पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी है, किसी से उधार मांग लूँगा, अभी एडवांस दे देता हूँ। ले बेटा तेरा एडवांस। अरे ये तेरा एप्पल वाला कहाँ गया? मैंने भेज दिया उसे वापस, मुझे नहीं लेना कोई आईफोन। अरे लेकिन क्यों, बुलाना उसे वापस, लेके जाएगा एडवांस 5,000 रुपये, बाकी मैं डिलीवरी के वक्त दे दूंगा। अरे पापा नहीं चाहिए आईफोन, अब ये मेरा फोन ठीक तो चल रहा है, नॉर्मल कॉलिंग ही तो करनी है।
लेकिन तेरा मन था ना आईफोन लेने का, उसका क्या? अरे पापा जल्दी चल। मिडिल क्लास फैमिली में घर चलाना इतना भी आसान नहीं है जितना इन बच्चों को लगता है। पर कोई नहीं, बच्चे हैं, सपने देखने का हक तो हर किसी को होता है। और मैं इनका बाप, इनके सपने पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी है। किसी से उधार मांग लूंगा। लूंगा ना आईफोन, बिल्कुल लूंगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके, मेहनत करके अपने पैसों से खरीदूंगा। और अगर शायद आपके जैसा रिस्पॉन्सिबल हुआ तो खुद से पहले अपने बेटे को दूंगा। मैं पार्क जा रहा हूँ, एक घंटे में आऊंगा, ठीक है? अबे तेरे पास तो आईफोन था ना, कहाँ गया वो? भैया वो पेड़ देख रहे हो, उसके पीछे कैमरा लगा हुआ है। एक बार कैमरे को देख के हाथ हिला दो। आपके साथ प्रैंक हो गया, रिच बैगर हैविंग आईफोन प्रैंक। तेरे प्रैंक की तो तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, वीडियो का बेस्ट पार्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जिसने मेरा चैनल गुड्डू भैया अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो? लाल वाला बटन है, दबा दो, एकदम फ्री है। ये मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है, यहाँ पे भी आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।